युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 10 जनवरी 2020 दिन शुक्रवार, पौष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि 2:34 तक रहेगी और उसके पश्चात पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर 12:49 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 11:10 से लेकर 12:28 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज का दिन सर्वाधिक सावधानी बरतने का है और अगर आज आपकी सावधानी हटेगी तो कोई भीषण दुर्घटना के आप शिकार बन सकते हैं। आज आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको तनाव दे सकती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आज आपको हरे रंग के वस्त्र धारण करने से भी बचना है। लव लाइफ में भी आज आपके संबंध खराब होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आज आप अपने पार्टनर के साथ तोल मोल कर ही कोई बात करें। मेष राशि वाले, अगर आपके पास अपना घर नहीं है, अपनी कार नहीं है और आप इन सबको पाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मोती की अंगूठी यानी कि पर्ल की अंगूठी धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिससे करके आज छात्र सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज सुबह प्रातः काल उठकर पवित्र होकर आप सरस्वती माता की वंदना करें। आज आप उनकी पूजा करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें।
ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। मैं आप सभी के लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूँ। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। यदि आज स्टूडेंट्स श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर वे अपनी पढ़ाई में फायदा महसूस करेंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक स्टार देता हूं। नमस्ते, माय नेम इज किरण एंड आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आई एम एक्चुअली अ चैरिटी लीडर इन साउथ अफ्रीका एंड आई आल्सो हैव बीन ऑन द लोकल टीवी प्रोग्राम्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड आई विल ऑलवेज विजिट इंडिया टू visit Guru Rajneesh Rishi Ji. My experience with Guru Rajneesh Rishi Ji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013, and I was searching online, and I've been to many of them, many spiritual leaders who I sought help from, but none of them came could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology, and that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website, and he gave me everything in detail, and with his blessings I was able to go forward, and afterwards a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family, all I do is close my eyes and call upon him, and I meditate upon him, and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life, and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maharaj Rukmani Ji, I also was able to go forward. And also at Shani Peeth, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen. Because even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guru Ma, it actually changed life a lot for me, because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings. And also it brings about a whole lot of light in life. So I would recommend visiting Shani Peeth at any point in time, because it's a place that you will definitely get genuine help from. हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।